हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज ट्रू कैम्प प्रोडक्शन एंड इट्स मी रोशन शर्मा। तो स्वागत है आपको हमारे इस नए शो फिल्मी फ्राइडे के सबसे पहले एपिसोड पर। तो इस शो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेहतरीन फिल्म सर सीरीज के बारे में जिनके स्क्रिप्ट्स, जिनके फिल्म मेकिंग, जिनके पोस्ट प्रोडक्शन हो या फिर जिनके एक्टर्स के परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन हो और जो कि मोस्टली अंडररेटेड हो, ज़्यादातर लोगों ने देखा ना हो। तो ऐसे ही आज एक फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म हमारे पास है जो कि ऑलरेडी बेस्ट हो। अब ऑलरेडी बेस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म ने आज तक 513 अवार्ड जीता है इंटरनेशनली और ये फिल्म कहीं और से नहीं, इंडिया से ही है। तो इसी के ऊपर आज हम रिव्यू करेंगे, बात करेंगे कि क्यों ये फिल्म इतना बेस्ट है, क्या है इसके अंदर, कैसे बनाया है, डिटेली सारी चीज़ें हम बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, चलिए रिव्यू करते हैं। तो इस फिल्म का नाम है मना सना महा और ये रिलीज़ हुई थी 28 मार्च 2020 को तेलुगु लैंग्वेज में। अब ये तमिल में भी अवेलेबल है लेकिन हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, इसके सबटाइटल है नीचे इंग्लिश में, तो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो ये फिल्म बनी थी मात्र $5,000 इंडियन रुपीज़ में, 3,94,000 3,94,000 रुपये में मात्र बनी थी ये फिल्म और इसने जीता 513 अवार्ड्स। तो इस फिल्म के डायरेक्टर है दीपक रेड्डी और म्यूजिक डायरेक्टर सईद कमरन और प्रोडक्शन कंपनी यू वी क्रिएशन के YouTube चैनल में अवेलेबल है। अगर आपको देखना हो तो अभी जाके देख सकते हो। और इस फिल्म को IMDb रेटिंग मिला है 8.4 out of 10। तो चलिए रिव्यू करते हैं, जानते हैं इस फिल्म के अंदर क्या क्या है। तो इस फिल्म का थीम है नो मैटर द एंडिंग इज सैड और व्हाटएवर बट बिगिनिंग इज ऑलवेज हैप्पी। इस फिल्म के लीड कैरेक्टर है सूरज, जिनको प्ले किया है विराज अश्विन ने और इनके तीन गर्लफ्रेंड्स है चैत्रा, वर्षा और सीता। चैत्रा का रोल को प्ले किया है दीक्षिका चंदर ने, वर्षा के रोल को प्ले किया है श्रीवल्ली रघुवेंद्र ने और सीता के रोल को प्ले किया है पृथ्वी शर्मा ने। फिल्म के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सूरज किसी कैफे में बैठा है और अपने बारे में किसी को बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है अपने बारे में। तो ये पूरा फिल्म उसके पास्ट रिलेशंस के ऊपर डिपेंड है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर ने स्टोरी टेलिंग वाले पार्ट को 3 वेज में डिवाइड किया है। सबसे पहला है पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स, जो कि सूरज के आई से दिखाया गया है कि वो सूरज क्या देख रहा है, सूरज के शू में रख के हमें ये पूरा सीन दिखाया है ताकि हम उस कैरेक्टर को, हम सूरज को और अच्छे तरीके से समझ पाए। सेकंड है रिवर्स स्टोरी टेलिंग, इसमें इनके रिलेशन के एंडिंग से लेकर स्टार्ट तक दिखाया गया है कि क्या कुछ हुआ था, वो सारे रिवर्स में बिल्कुल उल्टा दिखाया गया है और बहुत डिटेल में काम करके दिखाया है। यहाँ रिलेशन के जो सैड वाले टाइम है, जो ब्रेकअप वाले जो पार्ट होते हैं, वहाँ से लेके स्टार्ट में जो बिगिनिंग है जहाँ से आप इनके रिलेशन का स्टार्ट होता है, जो हैप्पीनेस वाले पार्ट तक का सफ़र दिखाया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है। ये वाले सीन बहुत अच्छा लगा मुझे। थर्ड है वर्षा स्टोरी, वर्षा वाले स्टोरी में यहाँ पर वर्षा के पीछे वाले जो सीन है, जो कुछ भी वर्षा के पीछे, वो सब कुछ रिवर्स में चल रहा है और वर्षा नॉर्मल चल रही है। ये भी बहुत प्यारा सीन है, आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इस फिल्म को आप नॉर्मल ऑडियंस की तरह देखोगे, ऐसे ही मसाला ढूंढने लग जाओगे इस फिल्म में, तो आपको ये मूवी ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपको इस फिल्म को समझने के लिए बहुत डिटेली देखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि इस फिल्म के कैरेक्टर्स के नाम सूरज, चैत्रा, वर्षा और सीता, इनका नाम एक एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सूरज सन को रिप्रेजेंट करता है, चैत्रा जो है वो समर सीजन को, गर्मी को रिप्रेजेंट करती है, वर्षा बारिश वाले सीजन को रिप्रेजेंट करती है और सीता जो है वो विंटर सीजन को रिप्रेजेंट करती है। और सूरज के इनके साथ का रिलेशंस भी ऐसा ही दिखाया गया है जैसे कि सन और ये सीजन्स के रिलेशंस होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। जैसे कि चैत्रा समर सीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके कपड़े भी थोड़े वार्म टाइप के, जो कि समर को रिप्रेजेंट करता है। और इनका जो रिलेशन है 198 डेज तक का रहता है, जो कि समर सीजन भी मोस्टली 198 डेज का ही रहता है। और वर्षा का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, वो सूरज के सेकंड गर्लफ्रेंड दिखाया गया है। और वर्षा के जो क्लोथ्स है, उसके कपड़े हैं, वो भी थोड़े से कूलर टाइप के हैं, जैसे कि क्लाउड के कलर होते हैं ब्लूइश और ग्रीन, इस हिसाब से है उसके क्लोथ्स भी। और इसके जो कैरेक्टर है थोड़ा सा डोमिनेटिंग और टेगेटिव टाइप के, सूरज को थोड़ा सा डोमिनेट करती है ऐसा दिखता है सीन में। और सूरज जब वर्षा के साथ रिलेशन में होता है तो ऐसा लगता है सूरज थोड़ा सा ओवरशैडो हो गया है वर्षा के वजह से। जैसे कि बारिश के टाइम पे सन जो है, सूरज जो है, वो क्लाउड के पीछे छिप जाता है, ओवरशैडो हो जाता है बारिश के टाइम पे, वैसे ही हमारा जो कैरेक्टर सूरज है वो भी वर्षा के साथ जब रिलेशन में है तब वो भी छिप जाता है, ओवरशैडो हो जाता है। कुछ ऐसे तरीके से इस चीज़ को दिखाया गया है। जब तीसरी लड़की है सीता, और सीता वही कैरेक्टर है जिसको सूरज अपनी सारी कहानी बता रहा था। तो सूरज जब अपनी कहानी बता रहा होता है तो फिल्म के लास्ट में उसके उसके आईज से थोड़ा सा टीयर्स निकल रहा होता है,
और उस वक्त सूरज के फेस में इंटेंशनली क्रेविंग फॉर समवन्स बिलीव एंड केयर टाइप का एक्सप्रेशन आता है, बिल्कुल वैसे जैसे ठंड के मौसम में हम गर्मी के भूखे होते हैं, थोड़ी सी गर्मी पाने के लिए हम उतावले हो जाते हैं, वैसे ही सीता के साथ सूरज का सीन वैसा ही है। और सीता के साथ ये सीन होते होते ये फिल्म ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होने से पहले जस्ट कैमरा पैन होता है और यहाँ पर साइड में एक बच्ची रहती है और वो कुछ पी रही होती, कुछ ड्रिंक पी रही होती है, और वो बोलती है कि आपने लड़कों की तरफ का तो सुन लिया मगर हम लड़कियों तरफ का क्या। सिर्फ लड़कियों को यहाँ पर गलत नहीं दिखाया गया है, जैसे कि हमें देखने से लगता है कि लड़कियाँ जो जितने भी इनकी इसकी सूरज की गर्लफ्रेंड्स है वो उसको डोमिनेट कर रही है, लेकिन हम अगर डिटेली देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि सूरज जो है वो इनके ऊपर ज़्यादातर फोकस नहीं कर, जैसे कि ये लोग बात कर रहे होते हैं इनके सामने तो सूरज ज़्यादातर फ़ोन में लगा हुआ है, या तो इनके साथ में रहते हुए भी किसी और लड़की को चेकआउट कर रहा है, किसी और लड़की को देख रहा है, मतलब ये सूरज के प्रॉब्लम से। तो इस फिल्म के बारे में जितना बताऊँ उतना ही कम है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए, लेकिन मैं आज बस इतना ही बता रहा हूँ। उसके बाद आप जाके बस देखिए यूवी क्रिएशंस के यूट्यूब चैनल में इस फिल्म को आप देख सकते हो, मना सना महा, और एंजॉय करिए इस फिल्म को। तो अगर आपको एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के ऊपर और भी वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करिए ट्रू कैम प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, हम ऐसे ही वीडियोस मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को डालते रहते हैं। सो दिस इज रोशन शर्मा फ्रॉम फिल्मी फ्राइडे साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू।